Write the first terms of each of the following sequences whose nth term are. तो इसको कैसे करना होता है, जब पहला टर्म आप निकालते हैं तो कैसे कैसे निकालेंगे? तो ये एक ही जैसे सवाल है, एक ही तरीके से किए जाएंगे। फर्स्ट टर्म्स आपको निकालना है। तो जैसे ये ए एन दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है 3n+2, तो आपका नजर, आपकी जो दृष्टि है वो n पे जानी चाहिए। जो n है ये तय करेगा कि नंबर क्या आने वाला है। जैसे हमने कहा a1, n1 है, तो आप इस n की जगह 1 रख दीजिए। कितना बना? 3+2, 5। पहला जो टर्म है इस अगर आप ये कहें कि ये सीक्वेंस है, ये nth टर्म है, ये जो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म, मतलब ये एक जनरल बात हो गई कि कोई भी अगर n टर्म, कोई भी टर्म उठाए वो इस तरीके का होगा। जैसे मैंने कहा a2 में क्या करना है, 2 को यहां रख देना है n की जगह, 3 × 2 = 6, 6+2 = 8। अगला टर्म आ गया 8। इसी तरीके से और टर्म चले जाइए, मैं 2, 3, 4, 5 पे चला जाता हूं। तो पहले 5 टर्म निकालने की हम कोशिश करेंगे। a5, अब 3n+2 है तो यहां पर 5 रख दीजिए, n की जगह 5 रखना है आपको। 5 × 15 = 17 आ गया। तो ऐसे ही 2, ये जब आपने 1 रखा, 2 रखा, 3, 4, 5, तो 5, 8, 11, 14, 17 जो पूछा गया है कि आपको पहले टर्म निकालने हैं, तो ये पहले टर्म है और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन कोई भी टर्म उसमें उठाएंगे वो इस फॉर्मूले को, यही कहे ये nth टर्म है उसका, जनरल टर्म है उसका। हम एक और देखते हैं इसमें, ये वाला। तो मैं इसमें कुछ देख रहा हूं, बाकी आपको आपके सामने है ये इसका टर्म क्या है, ये टर्म बाकी है। अच्छा, इसको भी मैं बता देता हूँ, 3 की पावर। जैसे आपने कहा ए एन है 3 की पावर, बस एन की जगह 1 रख दीजिए, तो a1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1। a2 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। a3 क्या हो जाएगा, मैं केवल 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, पावर है, उसकी जगह पे ये नंबर उठा के रख दूंगा। बस इतना कर रहे हैं हम, a4 की जगह 3 की पावर 4, a5 की जगह 3 की पावर 5। 3 हो गया, ये 3, ये हो गया 3² 9, 3 × 9 = 27, 27 × 3 हो जाता है 81, 81 × 3 हो जाता है 243। ये पहले 5 टर्म हो गए और ये आपका सीक्वेंस हो गया इस तरीके से। इसको आप इस तरीके से लिख देंगे, जैसे आप लिखे हो ना कॉमा लगा के, ऐसे 5 टर्म आप लिख देंगे। अब ये वाला लेते हैं, -1 की पावर या घात n और 2 की घात या 2 की पावर। -1, अब हम a1 निकालने चले, -1 की पावर n हो जाएगा, इस 1 की जगह n की जगह 1, इस n की जगह 1, 2 की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो गया -1 की पावर 1। आप बस इतना ध्यान रखिएगा इस सवाल में कि -1 के ऊपर जब भी कोई इवन पावर आती है तो आप सीधा इसको 1 लिख देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, -1 की पावर मैं 2 करता हूँ तो क्या आएगा, -1 × -1। तो जब इवन टाइम्स होगा तो इवन टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। जब -1 के ऊपर ऑड नंबर होगा तो आप इसको -1 रखेंगे। क्यों? जैसे मैं इसके ऊपर 3 रख देता हूँ, तो -1 × -1 × -1, इसका मतलब क्या हुआ, -1 ने तो अपने आप को प्लस कर लिया, लेकिन ये माइनस तो बच गया, जब भी ऑड पावर आएगा तो ये प्लस रहेगा। इतना ध्यान रखना है, तो ये सवाल इतनी आसानी से बन जाएगा क्योंकि 3 की पावर n मैंने बता दिया, 2 की पावर n भी ऐसे चलेगा। a1 क्या होगा, -1 की पावर 1, यहाँ बता दूँगा a1 होगा -1 की पावर 1 और 2 की पावर 1। a2 होगा -1 की पावर 2 और 2 की पावर 2। a3 होगा -1 की पावर 3, 2 की पावर 3। a4 होगा -1 की पावर 4, 2 की पावर 4। a5 होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, -1 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब देखिए, इसकी पावर इवन है ऑड है, ऑड है तो आप सीधा माइनस लिखिए, इसकी पावर इवन है ऑड है, इवन है प्लस, यहाँ पर माइनस इसमें आएगा, इसमें प्लस आएगा क्योंकि पावर 4 है और यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये तो आपको साइन मिल गया। अब 2 पे आते हैं, ये 2 की पावर 1 2, ये 2 की पावर 2 4, ये 2 की पावर 3 8, ये 2 की पावर 4 16, और ये आपका 32। तो -2 4 -8 16 -32, ये आपके पहले टर्म हो, बस ये -1 की पावर जो है ना वही इसमें मेन चीज बतानी थी, बाकी हम ऑलरेडी 3 की पावर n देख चुके हैं। ये भी आप कर लेंगे, सामने है आपके सोल्यूशन।
अब एक इस तरीके से पॉलिनोमियल लिया जाए, तो पॉलिनोमियल में हम ये वाला लेते हैं। अब आप देखिए ए एन आपको दिया हुआ है 2n² - 3n+1। अगर आपको ए वन निकालना तो कैसे निकालेंगे, एन की जगह वन वन रख दीजिए, 1² - 3 × 1, एन की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, प्लस कितना आया ये 2, 1² होता 1 तो 2 - 3 × 1 3 और प्लस 1, दो और एक जुड़ के 3 हो गए, 3 - 3 हो गए, पहला टर्म ये आ गया। एक और टर्म निकालते हैं, चौथा टर्म निकालते हैं, नहीं और ले लेते हैं, चलिए ए थ्री में क्या आएगा 2, अब एन की जगह हम 3 तब्दील कर रहे हैं, 3 यहाँ पर 3 कर देंगे, प्लस 1, एन की जगह 3 किया है 2, 3² होता है 9, 3 × 3 = 9, प्लस 1 ये हुआ 9 × 2 = 18, 18 प्लस 1 कर लीजिए 19 हो जाएगा, 19 - 9 कर लीजिए आपका 10 आएगा, तीसरा टर्म 10 आएगा। इस तरीके से आप पांचों टर्म निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं ये भी इसी तरीके से है, बस एन की जगह आपको तब्दील करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5, जहां तक जाना। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर। अब आपको ये nth टर्म तो दिया हुआ है लेकिन आपको स्पेसिफिक वैल्यू मांगी गई, तो हम इससे शुरू करते हैं सेकंड वाले से, क्योंकि पहले आपका जो पहले का उत्तर है वो सामने दिया हुआ है, मैं दूसरे से शुरू करता हूँ ताकि आपको थोड़ी गंभीर और टिपिकल सवाल बता पाऊँ। 3n - 1, 4n + 5, आपको a7 निकालना है, तो a7 निकालने के लिए जैसे आप a7 निकालेंगे तो आपको 3 n की जगह 7 रखिए -2, 4 n की जगह 7 रखिए +5, ये कितना हुआ 21 - 2, नीचे हुआ 7 × 4 = 28 + 5, ऊपर आ गया आपका 19, नीचे आ गया आपका 33, तो ये आपका सातवां टर्म हुआ 19 / 33। अगर आपको a8 निकालना हो तो आप n की जगह 8 रख दीजिए, यानी कि 3 n की जगह मैं 8 रख रहा हूँ, नीचे भी 4 n की जगह 8 रखा, ये हो गया 8 × 24 - 2, नीचे हो गया 8 × 32 - 2। अब आप देखें 24 - 2 कितना होता है 22, 32 में से अगर ये प्लस है और ये 5, तो इस 32 + 5 क्या हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आप देख लेंगे, ये भी आप कर लेंगे, बस आपको n की जगह मैं इसमें मान लीजिए ये वाला इसमें मैं A21 निकालता हूँ, A21 आपको निकालना है तो n की जगह 21 रख देंगे, तो A21 निकालने के लिए n की जगह मैं सीधा 21 तब्दील कर रहा हूँ, 21 - 1, 21 यहाँ पर देखिए n बाद में है तो हम यहाँ पर करेंगे 2 माइनस और हमको 21 रखना है और 3 + 21, तो 21 - 1 कितना होता है, अगर आपको A21 निकालना है तो आप 21 - 1 करेंगे तो इसमें आपका 20 हो जाएगा, 2 - 21 क्या होगा -19 और 3 + 21 कितना हो जाएगा आपका 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका उत्तर आएगा। तो इस तरीके से आप संख्या करेंगे और यहाँ ये सीधा आपके सामने है -1 की पावर n, तो ये नंबर लिखना है, देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ, इसमें a5 इसका मतलब -1 की पावर 5 और यहाँ पर n की जगह 5 आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि -1 की पावर ऑड क्या होता है, माइनस होता है तो -5, सीधा इसका -5 आंसर लिख दीजिए, इसकी जगह आप सीधा लिख सकते हैं +8, क्योंकि 8 इवन है प्लस आएगा और 8 आपको लिखना है, यहाँ पर आप सीधा -3 लिख सकते हैं क्योंकि -1 की पावर 3 माइनस होती है। फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय दिस। a1 आपको दिया हुआ है, an आपको जो ये कहिए कि nth टर्म आपको, आपको इसके बाद के 5 टर्म निकालने, इसका मतलब जैसे a1 यहाँ पर दिया हुआ है पहले वाले का बता रहा हूँ, तो क्योंकि आपके पास a1 ऑलरेडी है, आपको इसके बाद टर्म निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, an आपको दिया है an - 1 + 2। अब इसमें एक सवाल उठता है कि n को 2 से बड़ा या बराबर क्यों दिया हुआ है, अगर चलिए मान लीजिए मैं इस बात को नहीं मानता, मैं यहाँ पर रख देता हूँ an, मैं निकालना चाहता हूँ 1 निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आएगा a1, तो a1 - 1 + 2, ये क्या बना a0 क्या टर्म होता है, ये तो कोई टर्म नहीं हो, मैं हम कहाँ से लाएंगे इसको। इसी तरीके से अगर मैं इसको n को -1 लिख दूँ
तो माइनस वन माइनस वन ए माइनस टू है, ए एन माइनस वन है ना, तो अगर माइनस वन करूँ तो माइनस वन यानी कि ए माइनस टू, ये क्या टर्म होता है जो हमें पता ही नहीं, इसको हम कैसे बताएंगे। इसीलिए जो नंबर दिए है ना एन ग्रेटर देन टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये जो नंबर है इसको समझना पड़ेगा आपको, ये इसलिए दिए हुए हैं कि ये तभी मान्य रहेगा, अदरवाइज ये अमान्य हो जाएगा। ए माइनस टू तो हमें पता नहीं ये क्या होता है, वी डोंट नो अबाउट दैट, इसीलिए हम इसको ऐसे। अब मैं आता हूँ, ए वन आपको वन दिया हुआ है, अब हम ए टू, इसके बाद पांच टर्म निकाल लें यानी कि ए टू से लेकर ए सिक्स तक निकालते हैं, तो मैं एक टर्म इसमें से निकालता हूँ, मान लीजिए ए फाइव निकाल रहा हूँ, बाकी आप अपनी तरह समझ जाएंगे। ए फाइव निकालना है तो ए इससे इसमें हुआ क्या, देखिए बहुत बेहतरीन चीज होगी, चलिए मैं पूरा करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो आगे का टर्म आने वाला है वो पिछले पे डिपेंडेंट है। जैसे ए टू निकालते हैं, ए टू से शुरू करते हैं, ए यहाँ पर एन की एन माइनस वन है तो मैं टू माइनस वन कर देता हूँ प्लस टू। अब आप देखें ए टू माइनस वन क्या है, ए वन प्लस टू, ए वन तो आपको दिया हुआ है ना वन रख दीजिए यहाँ पर, तो ये वन प्लस टू यानी ए टू आपका आ गया थ्री। अब आइए ए थ्री पे, ए थ्री क्या है, ए एन माइनस वन यानी कि थ्री माइनस वन प्लस टू, ए थ्री माइनस वन यानी कि ए टू की बात कर रहे हैं प्लस टू, लेकिन ए टू तो अभी भी आपने निकाला था इसकी जगह थ्री थ्री प्लस टू। अब आप चाहते हैं ए फोर निकालना, ए फोर क्या होगा, ए फोर माइनस वन प्लस टू, ए फोर माइनस वन क्या होता है थ्री, ए थ्री प्लस टू, लेकिन ए फोर ए थ्री तो अभी भी आपने निकाला फाइव, यहाँ रख दीजिए फाइव प्लस टू यानी कि सेवन आ गया। अब आप चाहते हैं ए फाइव निकालना, ए फाइव कैसे निकालेंगे, ए फाइव होगा ए फाइव माइनस वन प्लस टू, ए फोर माइनस ए फोर प्लस टू, ए फोर तो अभी भी आपने निकाला सेवन, सेवन रख दीजिए यहाँ पर, सेवन प्लस टू आपका होगा, ऐसे आप ए सिक्स निकालेंगे, ए सिक्स माइनस वन प्लस टू लेकिन ए फाइव प्लस टू, ए फाइव की जगह आपको रखना ये वाला, ऐसे आएगा। आप आई होपफुली आप इसको आपको आइडिया लग गया होगा, मैं एक और इसमें से लेता हूँ, ये भी आप कर लेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने ट्राई करिएगा। मैं इसको लेता हूँ, ए वन आपको माइनस वन दिया हुआ, ए एन है आपका, ए जो एन है इसको हम सब्सक्रिप्ट कहते हैं, जो नीचे आता है ना इसको सब्सक्रिप्ट कहते हैं, ये सब है, ए सब कहूँगा, ए सब एन माइनस वन बाय एन, तो ए वन तो दिया हुआ है तो ए टू से शुरुआत करते हैं, ए टू की शुरुआत करेंगे तो ए टू माइनस वन बाय टू। लेकिन आप देखें कि जब ए ये जो आप नीचे एन माइनस वन कह रहे हैं ये बेसिकली ना ये माइनस वन है, ध्यान रखिएगा ऊपर नहीं है, ये टू माइनस वन साथ में है, यानी कि इसको मैं दोबारा लिखूँ, ये है ए एन माइनस वन बाय, ये सब में है एन माइनस वन सबस्क्रिप्ट में है, तो ए टू माइनस वन बाय टू यानी कि ए टू माइनस वन क्या होता है, ए टू ए वन बाय टू, लेकिन ए वन तो हमें पता है ये माइनस वन है, यहाँ पर माइनस वन रखते हैं, माइनस वन बाय टू आपका ए टू आ गया। आप ए थ्री पे जाइए, ए थ्री पे जाएंगे तो ए थ्री माइनस वन बाय थ्री, ए थ्री माइनस वन यानी कि ए टू बाय थ्री, ए टू तो अभी आपने निकाला माइनस वन बाय टू, रख दीजिए माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू बाय थ्री यानी कि होगा माइनस वन बाय सिक्स। अब आइए ए फोर पे, ए फोर के लिए क्या करना होगा, ए फोर माइनस वन बाय, अब आप देखें ए थ्री हो गया बाय थ्री, लेकिन आपने अभी भी ए थ्री माइनस वन बाय सिक्स निकाला, उसकी जगह माइनस वन बाय सिक्स रख दीजिए, ये जगह माइनस वन बाय सिक्स एटीन एट अट्ठारह हो गया। ए फोर, ए फोर यानी कि ए थ्री बाय फोर, यहाँ एक चीज मैं चेंज करूंगा, ये फोर है, अब सिक्स हो गया ट्वेंटी फोर, अभी समझ आ गया। अब हम आते हैं ए फाइव, ए फाइव आपको निकालना है, ए फाइव कैसे करेंगे, ए फाइव माइनस वन बाय फाइव, ए फाइव माइनस वन यानी कि ए फोर बाय फाइव, अभी अभी आपने देखा कि ए फोर क्या निकला, माइनस वन बाय टू ट्वेंटी फोर, माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर बाय फाइव, फाइव बाई वन ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस वन बाय वन ट्वेंटी, ये सारे जो नंबर है इनको इस तरीके से लिखिएगा बकायदा बता के कि ए टू ऐसा है ए सिक्स ऐसा है।